हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों मैं फिर से लेकर आ चुका हूं आप सब के लिए टॉयज और गैजेट्स का एक बहुत ही बड़ा कलेक्शन। गाइस आप देख सकते हो कितनी सारी डिफरेंट चीजें आज हमारे पास। गाइस ये देखिए, हमारे पास ये देखिए रोबोट वाला इरेज शार्पनर है, ये गाइस सैंडविच वाला हमारे पास टिफिन बॉक्स है, हमारे पास ये वॉचेस है बहुत प्यारी प्यारी, बेंटन की पेंसिल बॉक्स है, ये बहुत ही जबरदस्त ऑटो रिक्शा है हमारे पास, वाटर गेम है और एवेंजर्स की पेंसिल बॉक्स है और भी बहुत सारी चीजें हैं। और गाइस मैं एक एक करके सभी चीजों का रिव्यू करने वाला हूं, बहुत ही डिटेल में आपको दिखाऊंगा और सभी चीजों का मैं प्राइस भी आपको बताने वाला हूं। सो गाइस पूरा का पूरा वीडियो देखना एंड तक, बहुत मजा आने वाला है। तो बिना किसी देरी का इनका रिव्यू चालू करते हैं गाइस। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको दिखाता हूं, हमारे पास है एक मैजिक पेन। ये देखिए गाइस, आपको एक नॉर्मल पेन लग रहा होगा लेकिन मैं आपको बता दूं ये एक मैजिक पेन है और ये बहुत ही काम की चीज है। तो सबसे पहले आपको इसको ऐसे खोलना होता है और किसी भी जगह पर आप इसको बस चला ले, सिंपली आप कहीं पर भी इसको चला सकते हैं, आप पेन पे, पेपर पे, टेबल पे, हाथ पे, कहीं पर भी चलाएं। उसके बाद आपको ये लाइट ऑन करनी है, ये देखिए इस तरीके से, और जहां पर भी आप चलाएंगे वहां पर आपको इस लाइट को लेकर जाना है। ये देखिए है ना गाइज, एक मैजिक पेन। ये देखिए गाइज आपको दिख रहा है, जैसे मैं लाइट को इधर करूंगा तो गायब हो जाएगी। इधर देखो, इधर आते ही इसके ऊपर जो भी आपने इस पेंसिल से लिखा होगा, पेन से लिखा होगा उसको आप देख सकते हैं। ये देखिए गाइज मैंने एक सर्कल बनाया तो वो भी आ गया, और ये देखिए गाइज मैं कुछ भी इधर बना दे रहा हूं बहुत सारा, तो ये देखिए गाइज पूरा का पूरा इसमें आपको दिख रहा होगा। तो ये मैजिक पेन काफी ज्यादा जबरदस्त है, बस आप इससे लिखो और कहीं पर भी आपको सीक्रेटली कुछ लिखना है जो आपको पब्लिकली नहीं दिखाना है तो आप इससे लिखकर ले जा सकते हैं और लाइट्स ऑन करके बाद में आप देख सकते हैं, जिससे कि कोई देख भी नहीं पाएगा और आपको बहुत आसानी हो जाएगी। गाइज है ना कितना जबरदस्त हमारा मैजिक पेन, और ये गाइज मैंने 100 रुपीज में खरीदा है। और इसके बाद गाइज हमारे पास है एवेंजर्स की एक बहुत ही जबरदस्त जंबो स्टाइल की पेंसिल बॉक्स। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ना गाइज ये पेंसिल बॉक्स। इस पेंसिल बॉक्स के फीचर्स बहुत ही जबरदस्त हैं गाइज। ये देखिए सबसे पहले तो डायरेक्शन देखने के लिए आपको एक बहुत ही जबरदस्त चीज मिल जाती है, और यहां पर आप देख रहे होंगे इधर 1 2 3 4 बटन्स दिए गए हैं जो कि बहुत काम की चीजें, मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले हम ये वाला बटन दबाएंगे, फिर आप देखना ये देखिए इसको दबाते ही एक सीक्रेट कंपार्टमेंट खुल जाता है, और ये वाला दबाते हैं और ये देखिए गाइस इसको दबाते ही इधर भी एक सीक्रेट स्पेस जो है निकल कर आ जाता है, इसके अंदर भी आप बहुत सारी चीजें रख सकते हैं। और उसके बाद हम ये वाला बटन दबाते हैं, ये देखिए गाइस इसको बटन दबाते ही दो दो शार्पनर जो है इसके अंदर से निकल कर आ जाते हैं। ये देखिए गाइस दो दो पेंसिल्स आप इसके अंदर शार्प कर सकते हैं। और उसके बाद गाइस ये देखिए ये वाला बटन प्रेस करते ही इसके अंदर से एक और बहुत ही जबरदस्त सीक्रेट स्पेस जो है खुलकर निकल आता है। और उसके बाद गाइस इसको आप जो है इधर से खोलेंगे तो यहां पर भी आप बहुत सारी चीजें अपनी पेन पेंसिल्स वगैरह कंपास वगैरह इजीली रख सकते हैं और इधर भी रख सकते हैं। और गाइस चलिए इनको बंद कर देते हैं, और इसके अंदर एक स्पेस और है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। और ये पेंसिल बॉक्स मैंने 300 रुपीज में खरीदा है गाइस। और ये देखिए गाइस इसको पीछे इधर आप अपना नेम क्लास भी लिख सकते हैं जिससे कि ये कहीं गुम भी नहीं होगी, और इसको ऐसे खोलने के बाद पीछे भी आपको एक काफी बड़ा स्पेस देखने को मिल जाता है। तो यानी कि इस 300 रुपीज के पेंसिल बॉक्स में, पेंसिल केस में आप बहुत सारी अपनी अच्छी अच्छी चीजें इजीली इसके अंदर जो है रख सकते हैं। इसको रखते हैं साइड में, और गाइस इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं हमारे पास एक रोबोट स्टाइल का बहुत ही जबरदस्त शार्पनर। ये देखिएगा इसकी शेप देखिए, ये काफी फ्यूचरिस्टिक रोबोट जैसा लग रहा है और ये देखने में काफी अट्रैक्टिव है, और इसका काम भी गाइस उतना ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये मैंने 250 रुपीज का खरीदा है। तो इसको ओपन कर लेते हैं, ये देखिए गाइस इसको निकाल लेते हैं बाहर, और ये देखिए गाइस ये आ गया हमारा रोबोटिक शार्पनर बाहर आ चुका है। इसकी लुक देखिए कितना जबरदस्त है ना गाइस, और ये काफी काम की चीज है। मैं आपको बताता हूँ इससे आप कैसे पेंसिल को शार्प कर सकते हैं। गाइस ये देखिए हमें इधर से पेंसिल को जो है डालना होता है, और इसके बाद में आपको इसको ऐसे राउंड राउंड घुमाना है तो आपकी ये पेंसिल को इजीली शार्प करने लगेगा, और जितना भी जो पेंसिल का वेस्ट होगा, कचरा होगा, वो इसी के अंदर जो है स्टोर हो जाता है। और आप इसको चाहे तो ऐसे खड़खड़ा करके भी रख सकते हैं, और यार गाइस ये आपको छोटे छोटे होल दिख रहे हैं यहाँ पर, आप इसके अंदर पेंसिल्स वगैरह, एक्स्ट्रा पेंसिल्स वगैरह अटका करके भी रख सकते हैं, और काफी प्यारा लुक है, काफी रोबोटिक लुक है इसका। सो गाइस मैं इसको जो है आपको, ये पेंसिल है हमारे पास, इसको इस साइड से जो है शार्प करके दिखाता हूँ। तो हमें सिंपली इसके अंदर जो है पेंसिल को ऐसे डाल लेना होगा, हमने डाल लिया है। देखिए गाइस अब हम इस हैंडल को घुमाएंगे, और ये देखिए गाइस हमारी पेंसिल जो है अंदर शार्प होनी शुरू हो चुकी है गाइस, ये देखिए, और हमारी पेंसिल जो अंदर शार्प हो चुकी है, लगभग मुझे लगता है शार्प हो चुकी होगी, तो निकाल कर दिखाता हूं। और ये देखिए गाइस कितने शार्प तरीके से इसने हमारी पेंसिल को एकदम बहुत ही जबरदस्त तरीके से शार्प कर दिया। ये देखिए कितनी शार्प हो चुकी है पेंसिल, कितनी मस्त लग रही है ना गाइस हमारी पेंसिल। और मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं इसका कचरा कहां स्टोर होता है, इसको इधर से ओपन करना होता है गाइस। ये देखिए ये जो सारा कचरा है इसके अंदर ही इधर स्टोर हो चुका है। ये देखिए गाइस ये रहा सारा कचरा, कुछ इसके अंदर रह गया, कुछ इधर बाहर आ चुका है, और जो कचरा है नॉर्मल शार्पनर के मुकाबले एकदम चूरम चूरा ये जो कर देता है। तो ये शार्पनर काफी काम का है।
तो ये कैसा लगा शार्पनर कमेंट में जरूर बताना, और आगे आपके पास भी इस तरह का शार्पनर है तो भी मुझे कमेंट में जरूर से आप लोग बताना। तो इसको भी रखते हैं साइड में। और गाइज इसके बाद है हमारे पास पेपा पिग वाली इरेजर। ये देखिए गाइज हमारे पास है बहुत ही जबरदस्त पेपा पिग वाली इरेजर सेट, और आपको देख के लग रहा होगा इरेजर कहाँ है। सो गाइज ये ब्रीफकेस दिया गया है, आप इसके साथ इस तरीके से खेल भी सकते हैं, ये देखिए आगे पीछे करके। और ये देखिए इधर पेपा पिग दी गई है और ये इधर पेपा पिग लिखा भी है। अब हम इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर हमें मिलती है इरेजर। ये देखिए गाइज सबसे पहले हमारे पास है पेपा पिग और उसके बाद है हमारे पास जॉर्ज पिग। ये देखिए फोर पीसेज में ये जो इरेजर्स आती है। अब आप कमेंट में मुझे ये बताओ कि इनमें से पेपा पिग कौन है और जॉर्ज पिग कौन है, यानी कि रेड वाला पेपा पिग है या फिर ब्लू वाला जॉर्ज पिग है। इनमें से कमेंट में आप जरूर बताना, जो लोग देखते हैं उन लोगों को जरूर से जरूर ये पता होगा। और ये गाइस मैंने 30 रुपीज में जो है पेपा पिग की इरेजर सेट खरीदी है। और इसके बाद गाइस हमारे पास है बहुत ही जबरदस्त चीज, मैं आपको दिखा देता हूं। हमारे पास है ये देखिए एक फिश स्टाइल का बहुत ही प्यारा पेन। ये देखिए मछली जैसा दिखने वाला हमारे पास एक पेन है और ये देखने में बहुत ही जबरदस्त लगता है गाइस। और हमें इसको सिंपली इधर से ओपन करना होता है और हमारा पेन जो है बाहर आ जाता है। ये देखिए गाइस हटा लेते हैं और ये देखिए, अब ये देखिए कितने मस्त तरीके से चल रहा है। तो फिश वाला हमारे पास पेन है और ये बहुत ही पतला चलता है और बहुत ही इजीली स्मूथली ये चल जाता है। और ये गाइस मैंने 40 रुपए में ये पेन 40 रुपीज में खरीदा है। और इसके बाद गाइस हमारे पास है बहुत ही प्यारा फिजेट स्पिनर। इसकी लुक देखिए, पूरा ये मेटल बॉडी का बना हुआ है और काफी जबरदस्त इसकी लुक है, देखने में काफी जबरदस्त लगता है। और ये मैंने 100 रुपीज में खरीदा है और ये घूमता भी बहुत स्मूथली है गाइस। और इसकी बैलेंसिंग बहुत जबरदस्त है, आप इसको एक फिंगर के ऊपर रख के भी चला सकते हैं, ये बिल्कुल भी गिरता नहीं है और काफी ज्यादा देर तक बहुत ही आराम से ये जो है घूमता रहता है। तो 100 रुपीज में ये जो हमारा फिजेट स्पिनर है काफी वैल्यू फॉर मनी है और काफी ज्यादा जो है जबरदस्त है, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और इसके बाद गाइस हमारे पास है ये देखिए बैटमैन वाला भी हमारे पास एक फिजेट स्पिनर है। ये देखिए बैटमैन के जैसा ये फिजेट स्पिनर है ग्रीन कलर का, और ये देखिए ये भी काफी देर तक घूमता है और इसकी बैलेंसिंग भी काफी जबरदस्त है और इसको भी आप एक फिंगर के ऊपर इजिली घुमा सकते हैं। और ये वाला फिजेट स्पिनर गाइस मैंने 50 रुपए में खरीदा है, वो 100 रुपए में खरीदा और ये 50 रुपए में खरीदा है। अब आप लोग कमेंट में बताओ कि आपको 100 वाला ज्यादा अच्छा लगा या फिर 50 वाला अच्छा लगा। ये प्लास्टिक का है और ये वाला मेटल का है। और उसके बाद गाइस हमारे पास है ये देखिए बहुत ही प्यारा और बहुत ही कलरफुल लट्टू, यानी कि स्पिनर। ये देखिए गाइस इसको टॉप भी बोलते हैं, स्पिनर भी बोलते हैं, हिंदी में लट्टू भी बोलते हैं। और ये देखिए इसके अंदर बहुत ही प्यारा म्यूजिक आता है और बहुत ही प्यारी लाइट्स भी इसके अंदर जो है जलती है। तो इसको गाइस मैं आपको इस तरीके से इधर से लगाने के बाद, लॉन्चर से लगाने के बाद कस लेना होता है, और हमने इसको कस लिया, एकदम टाइट कर लिया, अभी लॉन्च करने के लिए बिल्कुल रेडी है। मैं इसको आपको चलाकर भी दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, ये देखिए घूम भी रहा है, लाइट भी चल रही है, इसके अंदर बहुत प्यारा म्यूजिक भी आ रहा है। मैं एक बार लाइट्स ऑफ करके इसको चलाकर भी दिखा देता हूँ आपको। गाइस लाइट्स ऑफ हो चुकी है, बॉल बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, चलिए इसको चला देते हैं। और ये देखिए गाइस चलने के बाद वो देखो गाइस बिल्कुल फ्रेम से बाहर जा चुका है। मैं इसको आपको जमीन पर जो है चलाकर दिखाता हूँ। चलिए गाइस इसको जमीन पर चलाते हैं। और ये देखिए गाइस कितने जबरदस्त तरीके से जो ये चल रहा है। ये देखिए गाइस इसकी साइड से लुक देखिए आप, वाओ, एकदम डीजे की तरह चल रहा है, एकदम बढ़िया डिस्को लाइट इसके अंदर निकल रही है। और पूरे रूम में गाइस एकदम रोशन कर दिया इसने, इसकी लाइट्स ने पूरे कमरे में रोशनी ही रोशनी जो है भर दी है, काफी जबरदस्त है ये गाइस। मैंने 60 रुपए में खरीदा है गाइस, 60 रुपए में ये लट्टू आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। 60 रुपए में गाइस ये बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि इसके अंदर जो लाइट्स जलती हैं और जो म्यूजिक आता है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त होता है, उसको चलाने का मजा बहुत अलग है क्योंकि ये काफी देर तक जो है घूमता ही रहता है, तो काफी बढ़िया लगा मुझे। और उसके बाद गाइस हमारे पास है स्पाइडरमैन की एक बहुत ही प्यारी डायरी और एक बहुत ही प्यारा पेन, जो कि मैं आपको खोलकर दिखाने वाला हूं, आपको बहुत पसंद आने वाला है। और गाइस ये भी मैंने 60 रुपए में जो है खरीदी है डायरी और पेन। ये देखिए गाइस इसके अंदर एक मिनी पेन आता है, ये देखिए बहुत ही प्यारा पेन है, उसको आप चाबी के छल्ले वगैरह में भी लगा करके रख सकते हैं। और मैं आपको इसे ओपन करके दिखाता हूं, इसको इस बटन से ओपन करना होता है। और ये देखिए कितनी प्यारी और कितनी मोटी एक इसके अंदर डायरी मिलती है, जो कि काफी अच्छी है। इसके अंदर बहुत ही प्यारे प्यारे पेजेस दिए गए हैं और इस पेन की हेल्प से जो आप इसके अंदर इजीली जो है कहीं पर भी लिख सकते हैं, तो आप इसको कैरी करके कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं, बहुत ही काम की चीज है। तो ये मिनी डायरी आपको काफी पसंद आई होगी, 60 रुपए में कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।
चलिए इसको रख देते हैं साइड में गाइस, और इसके बाद गाइस मैं आपको दिखाता हूं हमारे पास है ये देखिए सैंडविच जैसे दिखने वाला एक टिफिन बॉक्स, एक लंच बॉक्स आप बोल सकते हो, हमारा सेम बर्गर जैसा भी एक हमारे पास है, ये सैंडविच वाला मैं लेकर आया हूं। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करके मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले इसकी पॉलिथीन को फाड़ लेते हैं, और ये गाइस मैंने 200 रुपीज में जो है खरीदा है, ये देखिए गाइस। इसको खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूं इसको कैसे यूज करते हैं और इसके अंदर कितना बड़ा स्पेस जो है दिया गया है। ये देखिए गाइस 200 रुपीज में हमें ये क्या मिलता है, देखिए बिल्कुल एक सैंडविच जैसा लग रहा है, एक बर्गर जैसे, एक सैंडविच जैसे नजर आ रहा है। ये देखिए पैटी नजर आ रही है, एक पालक यानी कि लेटस नजर आ रहा है, ये देखिए गाइस। और ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना गाइस। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं इधर से, और इसको खोलने के बाद देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है इसके अंदर। तो हमने इसको खोल लिया है, और ये देखिए सबसे ऊपर हमें मिलता है एक बहुत ही प्यारा स्पेस। ये देखिए इधर एक हमें स्पून भी मिलती है, और एक स्पेस इधर मिल जाता है सामान रखने के लिए, और इसको हम खोल लेते हैं। ये देखिए गाइस इधर भी हमें स्पेस मिल जाता है, और इसके अंदर भी आप बहुत सारी सब्जी वगैरह या सैलेड वगैरह या रोटियां वगैरह रख के ले जा सकते हैं। और इसको हटाने के बाद हमें एक स्पेस और मिल जाता है जो इसके नीचे दिया गया है। ये देखिए इसके नीचे भी काफी गहरा स्पेस दिया गया है, इसके अंदर आप पराठे वगैरह रोटियां और सब्जी ज्यादा अगर आपको लेके जाने हो तो इसके अंदर आप लेकर जा सकते हैं। तो ये काफी काम की चीज है गाइस। ये देखिए 3x3 हमें जो है स्पेस इसके अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। ये देखिए गाइस है ना गाइस कितनी काम की चीज है, उसकी लुक भी बहुत ही जबरदस्त है। सबको जो आपको दूर से देखेंगे तो उनको लगेगा कि आप कोई सैंडविच जो है लेकर आए हो, काफी बड़ा सैंडविच लेकर आए हो। तो 200 रुपीज में आपको ये कैसा लगा हमारा लंच बॉक्स कमेंट में जरूर बताना। और इसके बाद गाइस हमारे पास है बहुत ही अमेजिंग ऑटो रिक्शा, ये देखिए गाइस जो कि इस बॉक्स के अंदर आता है। गाइज ये देखिए ये बॉक्स है, इसके अंदर ही आता है, हमने पहले ही निकाल के रख दिया है। और ये देखिए गाइज हमने 350 रुपीज में खरीदा है 350 रुपए में, ये देखिए। और इसके अंदर सीट्स वगैरह भी दी गई है, ऑटो ड्राइवर भी बैठा हुआ है, ये देखिए। और बिल्कुल रियल ऑटो रिक्शा की तरह लग रहा है, इधर लाइट्स भी दी गई है, उसके व्हील्स वगैरह भी घूमते हैं, इधर भी 2 व्हील दिए गए हैं। और ये देखिए गाइस इसके अंदर जो आप इधर से जो है बैटरीज 3AA साइज की बैटरीज आपको लगानी होती है, जो हमने ऑलरेडी आप लोगों के लिए दिखाने के लिए लगा करके रख दी है। और अब मैं आपको इसको ऑन करके दिखाऊंगा, तो ये रहा इसका बटन, इसको बटन को ऑन करते ये देखिए गाइस क्या साउंड आ रहा है ना गाइस, कितना जबरदस्त साउंड है ना, एकदम बिल्कुल ऑटो रिक्शा जैसा साउंड आ रहा है इसके अंदर। और इधर भी काफी डिजाइनर लाइट्स भी दी गई है, इधर भी काफी डिजाइनर जो है लाइट्स वगैरह दी गई हैं। चलिए मैं आपको इसको जमीन पर जो है चलाकर दिखाता हूं, और मैं आपको पहले जमीन पर चलाकर दिखाऊंगा, फिर पूरे कमरे में लाइट्स ऑफ करके इसको अंधेरे में भी चलाकर दिखाऊंगा। चलिए गाइस इसको ऑन कर लेते हैं, और ये ऑन हो गया गाइस, और इसको रखते हैं जमीन पर। ये देखिए गाइस ये अपनी डायरेक्शन वगैरह खुद ही बदल लेता है, अगर कहीं टक्कर खा लेता है ये अपनी डायरेक्शन को खुद ही बदल लेता है। तो इसकी ये खासियत बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। ये देखिए गाइस ये एक ही जगह पर खड़े खड़े भी डिस्को लाइट की तरह जो है घूमने लगता है। ये देखिए गाइस कितना बढ़िया है ना गाइस, ये देखिए है ना गाइस कितना प्यारा जबरदस्त ऑटो रिक्शा हमारा। और ये टक्कर खा गया है तो ये अपने आप ही डायरेक्शन अपनी बदलने भी लगता है, तो कई बार लेकिन ये फंस भी जाता है, लेकिन ये चलता भी जो है रहता है गाइस। ये देखिए गाइस है ना गाइस कितना जबरदस्त ऑटो रिक्शा। और चलिए इसको लाइट में अंधेरे में चलाकर भी आपको दिखा देते हैं। गाइस हम लोग अंधेरे में आ चुके हैं, और ये देखिए गाइस ये अपने डायरेक्शन खुद ही बदल लेता है, इसको आप जहां पर भी रखेंगे अपने डायरेक्शन खुद ही बदल लेता है। ये यहाँ पर फर्श थोड़ा खराब है तो इसको चलने में थोड़ी परेशानी आ रही है। ये देखिए गाइस 350 रुपीज में 350 रुपए में ये ऑटो रिक्शा आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वैसे तो कहीं अटक रहा था, कहीं पर रुक जा रहा था, तो इसको थोड़ा सा भी टच कर रहे थे फिंगर से तो ये चल जा रहा था। तो ये इसका छोटा सा मुझे इसके अंदर जो कॉन लगा इसका, बाकी ये प्रोज के बहुत अच्छे हैं, इसकी लाइट्स वगैरह सब कुछ इसका बहुत ही जबरदस्त है। और 350 रुपए में गाइस काफी अच्छी चीज जो है हमें देखने के लिए मिल जाती है। चलिए इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास है एक बहुत ही जबरदस्त पेंसिल बॉक्स, एक सुपर कार स्टाइल का पेंसिल बॉक्स है जो हमने खरीदा 220 रुपीज में, 220 रुपए में। मैं आपको निकाल कर दिखाता हूं, और ये देखिए गाइस काफी जबरदस्त है, काफी प्रीमियम क्वालिटी की पैकिंग में आता है। और यहां देखिए आप इसके अंदर काफी सारा लिक्विड जो है भरा हुआ है,
और ये देखिए इसके अंदर स्टार वगैरह भी दिए गए हैं जो इसके हिसाब से जो है ये देखिए इसको हिलाते हैं तो स्टार वगैरह भी इसके साथ मूव होते हैं। ये देखिए काफी जबरदस्त लगते हैं और इसकी सुपर कार वाली लुक देखिए, इधर ट्रांसमिशन पावर 6 स्पोर्ट्स कार इधर लिखा हुआ है ये देखिए गाइज। और ये एक पेंसिल बॉक्स है, मैं आपको बता दूं सुपर कार जैसे लुक में एक पेंसिल बॉक्स है हमारे पास, तो इसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है हमें देखने के लिए। तो इसको खोलने के बाद गाइज हमें मिलता है यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सीक्रेट स्पेस। ये देखिए गाइज इधर 1 से लेकर 9 तक हमें टेबल देखने के लिए मिल जाती है और हम इसको हटाते हैं तो इसके नीचे भी हमें काफी बड़ा जो है स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। ये देखिए गाइज और इधर नीचे व्हील्स वगैरह भी दिए गए हैं, देखिए 4 व्हील्स दिए गए 1 2 3 4 और आप इसको जमीन पर भी चला करके भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए इसको भी हम बंद कर देते हैं और इसके बाद गाइज हमारे पास है 3 बहुत ही प्यारे प्यारे पेन। ये देखिए गाइज हमारे पास है ये देखिए एक ड्रैगन वाला, एक क्रोकोडाइल वाला पेन भी आप बोल सकते हो और ये यूनिकॉर्न वाला पेन है लाइट वाला और एक हमारे पास है जिराफ वाली मैकेनिकल पेंसिल। और निगाज ये पेन है पेंसिल है, ये मैकेनिकल पेंसिल है यूनिकॉर्न वाला और ये दोनों पेन है। तो सबसे पहले मैं आपको हमारी यूनिकॉर्न वाली मैकेनिकल पेंसिल दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इसका बटन ऑन करते हैं, ये देखिए इसके अंदर काफी प्यारी प्यारी लाइट जो है ब्लिंक हो रही है ये देखिए। और इधर देखिए इधर गाइज ये बटन दबाते हैं हम जितनी बार भी, यहाँ से निब बाहर आती है देखिए गाइज, ये देखिए गाइस बटन दबाते हैं ये देखिए कितनी बड़ी जो है निब जो है बाहर आ जाती है। और अगर आप इसको बंद करके इसको अंदर करेंगे तो निब अंदर चली जाती है, यानी कि जब आपको जितने यूज करना है तो इतनी निकाल लो और जब आपको ये रखना हो वापस से बैग में तो इसको बटन दबाएं और ये अंदर चली जाती है। तो मैकेनिकल पेंसिल आपको लाइट वाली कैसी लगी यूनिकॉर्न की कमेंट में जरूर बताना। और इसके बाद गाइस हमारे पास है जिराफ वाला पेन, तो ये देखिए ये इस तरीके से अगर आप इसे खड़ा करना चाहें तो ये पेन जो है खड़ा भी हो जाता है जिराफ की तरह, और इसके जिराफ की तरह इसकी नेक भी बहुत लंबी है तो इसको ऐसे खोलना है आपको और इस पेन को आप इजीली जो है यूज कर सकते हैं, है ना गाइस। कितना प्यारा कितना जबरदस्त पेन। और इसके बाद गाइस हमारे पास ये डायनासोर वाला ड्रैगन वाला पेन है, ये देखिए ये भी काफी प्यारा पेन है, आपको इसको इधर से खोलना है और सिंपली आप इसको यूज कर सकते हैं। ब्लैक कलर का पेन है हमारे पास, ये देखिए ये कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताना। इसकी आईज और इसका फेस बहुत ही प्यारा है गाइज। और इसके बाद गाइज हमारे पास है एक बहुत ही प्यारा वाटर गेम, ये देखिए गाइज हल्क वाला वाटर गेम, इसके अंदर हल्क बना हुआ है। तो ये देखिए कुछ रिंग्स दी गई हैं और यहाँ पे छोटे छोटे आपको दो हुक दिख रहे हैं, तो हमें ये हुक रिंग्स जो है इस हुक्स के अंदर जो है पिनानी होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर हमने एक ग्रीन वाली रिंग को इस वाले हुक में जो है पहना दिया है। तो ये गाइज 50 रुपए की वाटर गेम है। और इसके बाद गाइज हमारे पास है ये देखिए एक बहुत ही प्यारा गेमिंग रिमोट वाला शार्पनर है, ये देखिए इधर एक होल दिया गया है, इसके अंदर जो आप पेंसिल से शार्प कर सकते हैं, मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए गाइज पैसे तो पेंसिल ऑलरेडी शार्प है बट और भी करके देखते हैं, ये देखिए गाइज ये शार्प हो रही है और सारा कचरा जो आप देख सकते हैं इसी के अंदर जो है भर गया है और आप इसको खोल करके इस तरीके से जो है कचरे को निकाल भी सकते हैं। देखिए गाइज ये रहा कचरा, तो कचरा इसी के अंदर जो है स्टोर भी हो जाता है। तो ये 10 रुपए का आपको हमारा शार्पनर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और उसके बाद गाइज हमारे पास एक बाइक वाला शार्पनर भी है, ये देखिए काफी जबरदस्त शार्पनर है, ये देखिए इधर पीछे होल दिया गया, इसके अंदर आप पेंसिल को डाल के शार्प कर सकते हैं और बाकी इसकी लुक जो एकदम स्पोर्टी बाइक की तरह दी गई है, तो आपको इधर से पेंसिल डालनी है और ऐसे आप जो है शार्प कर सकते हैं गाइज। तो कैसा लगा शार्पनर कमेंट में जरूर बताना। ये मैंने 20 रुपीज का खरीदा है गाइज। और इसके बाद गाइज हमारे पास एक काफी प्यारी बॉल है, ये देखिए और इस बॉल के अंदर लाइट है, इसको जरा सा भी आप मूव करेंगे इसके अंदर बहुत ही जबरदस्त जो है लाइट वगैरह जलती है। ये देखिए गाइज इसके साथ रात को खेलने का मजा बहुत अच्छा है क्योंकि ये गुम भी नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर लाइट बहुत अच्छी जलती है। उसके बाद गाइज हमारे पास है बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी का एक बाइनोकुलर, ये देखिए गाइज ये 200 रुपीज में हमने खरीदा है और इससे आप दूर की चीजों को बहुत ही आसानी से पास करके जो है देख सकते हैं। ये देखिए गाइज आप इसको आपको इसके अंदर से भी नजर नहीं आ रहा होगा लेकिन ये डे लाइट में बहुत अच्छे तरीके से जो है काम करता है, ये इस तरीके से मूव भी हो जाता है, यानी कि जिसकी आंख चौड़ी है वो ऐसे कर सकते हैं और जिनकी आंख कम चौड़ी है वो इधर से ऐसे यूज करके अपना इसको इसका फायदा ले सकते हैं। और इसके बाद गाइस हमारे पास एक काओ वाला बहुत ही प्यारा पिगी बैंक, ये देखिए मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ और ये बहुत ही काम की और बहुत ही जबरदस्त चीज है गाइस। ये देखिए इसको इधर से ओपन कर लेते हैं और हमारा पिगी बैंक जो है बाहर आने वाला है। ये देखिए गाइस ये रहा हमारा बहुत ही प्यारा पिगी बैंक, ये देखिए और इसके साथ हमें एक ताला और एक चाबी का सेट भी मिल जाता है, ये देखिए गाइस और ये देखिए। और इधर से आप जो है कॉइन्स वगैरह डाल करके इसके अंदर रख सकते हैं, आपको इधर से कॉइन्स वगैरह डालने हैं मैं आपको डालकर दिखाता हूँ। और ये रहे कुछ कॉइन्स हमारे पास, चलिए इनको डालते हैं। ये देखिए हमने कॉइन्स इसके अंदर जो है डाल लिए हैं और जो भी आपके पैसे इसके अंदर जब ये भर जाए पूरे तरीके से आप इसको ऐसे हैंडल कर कैरी करके भी चल सकते हैं, आपको इसको बस ऐसे इधर से खोलना है और ये देखिए सारा जो इसके अंदर कॉइन्स है वो इसके अंदर आपके चले जाते हैं। और जो इसके साथ हमें लॉक दिया गया है इस लॉक की हेल्प से आप इसको लॉक कर सकते हैं, ये देखिए गाइस
अभी ताले की हेल्प से जो है आप इसको लॉक कर सकते हैं, और जब भी आपको इसमें से निकालना है कोई भी सामान, पैसे वगैरह निकालना है, तो आप इस चाबी की हेल्प से जो है निकाल सकते हैं। और ये गाइस हमने खरीदा 150 रुपीज में। और इसके बाद गाइस हमारे पास है ये देखिए एक डाई कास्ट मेटल कार है, बहुत ही प्यारी। ये देखिए ये भी मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। और ये देखिए गाइस हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त डाई कास्ट मेटल कार है, ये देखिए। और इसकी लुक देखिए बहुत ही जबरदस्त, एकदम जीप जीप जैसी, थार जैसी इसकी लुक दी गई है। ये देखिए क्या बात है, कितनी जबरदस्त लग रही है। इसके टायर कितने बड़े बड़े हैं, और ये देखिए इसकी लुक देखिए कितनी जबरदस्त है। और ये पुल बैक एक्शन हमारा जो है ट्रक है, ये देखिए इसको छोड़ेंगे देखो कितनी स्पीड से जो ये एकदम आगे की तरफ भागता है ना गाइस, कितनी जबरदस्त चीज। और इसके बाद गाइस हमारे पास डोरेमोन वाला एक बहुत ही प्यारा कीचेन भी है, ये देखिए लग रहा है ना गाइस कितना जबरदस्त। और इसके बाद गाइस हमारे पास है बेंटन की एक बहुत ही प्यारी पेंसिल बॉक्स, ये देखिए। और इधर भी बेंटन है, और इधर बेंटन के कैरेक्टर दिए गए हैं, और इधर भी बेंटन है, और ये देखिए इधर 3D बेंटन का एक लोगो दिया गया है। इसको ऐसे मूव करेंगे तो ये पिक्चर्स जो है चेंज होती है, देखिए आपको सिर्फ इसको हिलाना है इमेजेस जो है चेंज होने लगती है। और इसके अंदर कैलकुलेटर भी है गाइस, ये देखिए। और ये देखिए ऑन भी हो चुका है, ये काम भी करता है, जैसे ये देखिए 1+1 और इज इक्वल टू करते हैं, ये देखिए 12 हो गया, 1+11 हमने किया तो 12 हो चुका है इधर। और आप चाहे तो इसको ऊपर भी कर सकते हैं, ये देखिए कैलकुलेटर ऊपर आ जाएगा, और आप चाहेंगे तो ये लोगो ऊपर आ जाएगा, तो इस तरीके से काम करती है। और ये बटन दबाएंगे तो इधर से होल खुल जाता है, यहाँ पर से आप पेंसिल को शार्प कर सकते हैं और इसको बंद भी कर सकते हैं। और ये देखिए गाइस इधर काफी बड़ा स्पेस दिया गया है, और ये देखिए इसको आप इधर से आप निकाल कर इधर से ऑन करेंगे तो इसके अंदर लाइट्स वगैरह भी ऑन हो जाती है, और आप इसको चाहे तो लाइट्स को ऑफ करके बंद कर सकते हैं। और पीछे भी इसके काफी बड़ा स्पेस जो है दिया गया है, इधर आप इरेजर वगैरह रख सकते हैं। और ये गाइज हमने खरीदा है 180 रुपीज में। और इसके बाद गाइज हमारे पास एक डोरेमोन का बहुत ही प्यारा पेंसिल बॉक्स, ये देखिए मैं आपको ये भी निकाल कर दिखा देता हूँ गाइज, ये देखिए ये हमारा डोरेमोन का बहुत ही प्यारा पेंसिल बॉक्स, इधर है डोरेमोन, और इसका नाम क्या है कमेंट में जरूर बताना। और ये देखिए इसको ओपन कर लेते हैं इधर से, और इसको ओपन करने के बाद ये देखिए ऊपर से हमको दिख रहा है शार्पनर, और ये देखिए इरेजर, और एक पेंसिल और स्केल जो हम ऑलरेडी इधर टेप करके लगाया गया है, ये देखिए गाइस आपको मैं निकाल कर दिखाता हूँ, ये ऑलरेडी इसके अंदर टेप करके लगाया गया है। और ये देखिए इधर हमें मिलते हैं 1 से 9 तक टेबल, और इसके नीचे भी हमें काफी बड़ा जो है स्पेस देखने के लिए जो है मिल जाता है। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ये देखिए इसके नीचे भी काफी बड़ा स्पेस जो है हमें देखने के लिए मिलता है, जो कि काफी काम की चीज है। और गाइस ये वाला जो हमारे हमने पेंसिल बॉक्स है, ये हमने मात्र 150 रुपीज में जो है खरीदा है गाइस। चलिए गाइस इसको रख देते हैं। और इसके बाद गाइस हमारे पास बच्चे हैं दो बहुत ही प्यारे वॉच, ये देखिए गाइस। और ये वॉच अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ऑल के आइकन पे आपको प्रेस कर लेना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इन दोनों वॉचेस को सामने शेम क्या कहते हैं लेकर आने वाले हैं, और शामिल करेंगे, आपको जरूर दिखाएंगे, और आपको बहुत मजा आएगा। और ये गाइज ये मैंने 150 की खरीदी है, और ये भी 150 की खरीदी है, ये लाइट वाली हमारी आयरन मैन वॉच है, और ये एवेंजर्स स्पाइडरमैन वाली हमारी जो है प्रोजेक्टर वॉच है। ये मैं आपको दिखाऊंगा जरूर से नेक्स्ट वीडियो में, और जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक, साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करके अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना। बाय बाय।